दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था गीजर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, जिसमें से रेड इंडिकेटर पावर का इंडिकेटर था कि वो हर टाइम आपका जलता रहेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि गीजर के अंदर सप्लाई आ रही है। दूसरा ग्रीन इंडिकेटर तब जलता था जब आपका हीटर ऑन हो, जैसे ही आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर जितना आपने सेट करके रखा है उतना पहुँचने के बाद ग्रीन इंडिकेटर बंद हो जाता था। लेकिन एक दोस्त का कमेंट आया था जो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, उस टाइप से कनेक्शन करना मैं आज आपको सिखाऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप जो मैंने पहले वीडियो अपलोड करी थी उसको देख सकते हैं कि गीजर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आज जो कनेक्शन कर रहे हैं ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना है। दोस्तों, गीजर के अंदर लगने वाले सारे पार्ट मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, जिसमें से आपका एक एलिमेंट हो गया इंडिकेटर, एक कट ऑफ हो गया और दूसरा थर्मोस्टेट। जो थर्मोस्टेट आप देख रहे हैं ये 20 एम्पियर का थर्मोस्टेट है और 20 एम्पियर का ये आपका कट ऑफ है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने एमसीबी लगा के रखी है इसके इनपुट पॉइंट में सप्लाई देंगे नीचे से, ऊपर से सप्लाई को आउट करके थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में दे देंगे और थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से सप्लाई आउट करके जो हमारा ऑटो कट ऑफ लगा के रखा है इसके एक पॉइंट में ले जाएंगे। यहाँ दोस्तों आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जो आपका कट ऑफ लगा हुआ है इसमें नीचे एक रेड बटन और है, ये रेड बटन इसको मैनुअल रीसेट करने के लिए है। अब हम अपने कट ऑफ के दूसरे पॉइंट से सप्लाई आउट करके जो हमारा एलिमेंट लगा हुआ है इसके एक पॉइंट में सप्लाई दे देंगे। एलिमेंट के दूसरे वाले पॉइंट में हम न्यूट्रल दे देंगे डायरेक्टली, और यहीं से हम अपना जो ग्रीन इंडिकेटर है इसमें लूप दे देंगे एक न्यूट्रल। दोस्तों, ग्रीन इंडिकेटर में फेज देने के लिए या तो आप अपने एलिमेंट से दे सकते हैं फेज, या फिर कट ऑफ के दूसरे पॉइंट से दे सकते हैं आउटपुट वाले से। अब जो हमारा रेड इंडिकेटर है, इस रेड इंडिकेटर को हम फेज दे देंगे अपने थर्मोस्टेट के दूसरे वाले पॉइंट से, जहाँ से सप्लाई आउट होके हमारे कट ऑफ में गई है, और दूसरी सप्लाई देंगे हम अपने एमसीबी से ही या फिर थर्मोस्टेट के इनपुट पॉइंट से। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे ही आपका जो कट ऑफ है ये सप्लाई को कट करेगा, आपका न्यूट्रल है ये तुरंत बैक आएगा आपके फेज तक, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट होगा। जैसे आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आपका जब न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है तो दोनों में फेज आने लगता है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ फॉलो होगी। जैसे ही आपका थर्मोस्टेट कट करेगा सप्लाई को, आपका न्यूट्रल बैक आ जाएगा आपके रेड इंडिकेटर तक, और जैसे ही आपका ग्रीन इंडिकेटर बंद होगा आपका रेड इंडिकेटर जल जाएगा, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि हाँ हमारा अभी हीटर ऑन नहीं है, हीटर ऑफ है। जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर लो होगा वैसे ही हमारा तुरंत ग्रीन इंडिकेटर जल जाएगा और रेड इंडिकेटर बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए।